हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय एके क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो सामने लेकर आया हूँ विद हिंदी ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, जो ये पोएम है वो इंग्लिश के फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो अमेरिका के एक जाने माने पोइट थे, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई जो पोएम है उनमें हमेशा से जो हमारा लाइफ है, जीवन है, उसकी हकीकत और वास्तविकता का वर्णन होता रहा है। इसी प्रकार जो ये हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें भी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो जीवन की वास्तविकता है उसका बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आगे बढ़ें, जो ये डस्ट ऑफ स्नो है इसका मीनिंग जानेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर जो डस्ट है इसका मीन्स यहाँ पर कोई धूल या फिर मिट्टी से नहीं है, यहाँ पर डस्ट का मतलब फुहार से है। ऑफ स्नो, स्नो मीन्स होती है बर्फ, तो इस प्रकार जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका जो मीनिंग होगा वो होगा आपका बर्फ की फुहार, जो मतलब, या डस्ट आप कह सकते हो जो बहुत महीन कण होते हैं ना बर्फ़ के जो नीचे गिरते हैं उसे कह सकते हो आप बर्फ़ की फुहार। तो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो डस्ट ऑफ स्नो है इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जो हमारे जो जीवन की जो बैड ओमेंस होती है वो कोई ऊपर से बनकर नहीं आए, भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, वो तो मनुष्य ने खुद बनाई हैं, और जिन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने साफ साफ अपनी इस सुंदर कविता के माध्यम से नकारा है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बहुत सी बार, जैसे सपोज़ हम कहीं बैठे रहते हैं तो कुछ काम करते हैं और अचानक से कोई एक पर्सन छींक दे, स्नीज वो अचानक से कर दे, तो हम क्या कहते हैं, अरे अब तो कुछ गलत होगा, किसी ने छींक दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, क्योंकि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये साफ साफ बताया है ये बैड ओमेंस मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, ये सिर्फ एक सोच है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत होगा। और आपने और देखा होगा, जैसे हम कभी किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं और रास्ते पर जाते हैं और अचानक से एक काले बिल्ली हमारा रास्ता काट दे, तो तभी कोई हमें अचानक से कहता है कि रुको, आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, कुछ अपशगुन ज़रूर होगा। तो आप इसे भी आप कह सकते हो, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने साफ साफ कहा है जो बैड ओमेंस जो होते हैं हमारे लाइफ के ये मनुष्य ने खुद बनाए हैं, तो इनसे कुछ गलत नहीं हो सकता। तो इन्हें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने इस सुंदर सी पोएम के द्वारा साफ साफ नकारा है। जैसे कि एक कौवा होता है क्रो, उसको क्या बताया गया, उसको क्या समझा गया है, उसे एक मृत्यु का प्रतीक समझा गया है। आपने देखा होगा जब कोई हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है और कुछ एक खास अवसर होता है, तो उस समय जो क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, उनको बुलाकर खाना खिलाया जाता है। उसी प्रकार जो एक हेमलॉक ट्री होता है, हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक बहुत ही विषैला वृक्ष होता है जो कि बैड ओमेंस में आता है। तो इसी का वर्णन करते हुए डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जितने बैड ओमेंस हैं उनको नकारा है। तो स्टूडेंट्स, हम इसे आगे अब इस पोएम्स की से आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने एक बात कहा है कि जो हमारे जीवन में एक छोटी सी भी घटना हमारे जीवन को जो पूरी तरीके से चेंज कर सकती है, वो इस पोएम के द्वारा बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस पोएम को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो स्टूडेंट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं कवि, वो क्या होते हैं, वो दुखी होते हैं, और दुखी होने के कारण वो अपने घर से बाहर जाते हैं और ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बर्फ़ हो रही होती है। तो जैसे जैसे वे दुखी होकर चलते हैं तो अचानक से क्या होता है, रास्ते में एक हेमलॉक ट्री होता है।
हेमलॉक ट्री को स्टूडेंट्स हम कहते हैं धतूरे का पेड़ जो बहुत विषैला होता है। तो एक हेमलॉक ट्री पड़ता है तो होता क्या है, द वे एक क्रो, तो एक कौवा जो होता है वो उस पेड़ पर बैठा होता है या फिर उस पेड़ से होकर गुजरता है, ये निश्चित इसमें बताया नहीं गया है। तो होता क्या है, जो क्रो जो होता है वो सुक डाउन वो ऑन मी, जैसे वो उस पेड़ पर बैठता है या फिर टकराता है तो सुक डाउन हिलाकर उस पेड़ को, जैसे ही वो बैठता तो वो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हिल जाती हैं, ऑन मी मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ़ की जो फुहार होती है वो आ गिरती है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से। तो जो कवि है वो दुखी पूर्वक आगे चल रहा होता है लेकिन अचानक से क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर जो बर्फ़ की जो बौछार है वो कौवे के द्वारा उसके ऊपर आ गिरती है। तो यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक है वो बैड ओमेंस में समझा जाता है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो कवि है वो बहुत ही दुखी है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे समझते हैं, हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो यहाँ पर जो कवि इन लाइंस में हमें बताते हैं कि जैसे ही उसके ऊपर जो हेमलॉक ट्री से जो बर्फ़ की फुहार है वो गिरती है तब क्या होता है, हैज़ गिवन माई हर्ट, मेरे जो हर्ट है हृदय है उसको मिलता है ए चेंज ऑफ मूड, जो उसका जो मूड होता है, जो दुखी होता है कभी स्टूडेंट्स आपको पता है, तो वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। जो कवि का जो मन है जो दुखी है वो एकदम से क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, किससे, जो बर्फ़ की जो बौछार है जैसे उसके ऊपर आकर गिरती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और यहाँ पर कवि कहता है कि जो वो पहले से दुखी है जो उसका जो पूरा दिन है ऑफ ए डे वो बेकार जा रहा है, तो वो क्या कहता है, एंड सेव्ड सम पार्ट, जो उसका जो पूरा दिन का जो कुछ भाग है वो बच जाता है बेकार होने से, आई हैड रूड, जिसको उसने शोक मनाया पछतावा किया उस पूरे दिन में, क्योंकि यहाँ पर कवि क्या था, वो पूरे दिन दुखी था परेशान था लेकिन बर्फ़ की जो बौछार जैसे उस पर गिरी उसका जो मन था वो बदल गया, जो कवि दुखी था वो उससे उभर गया और उसे एहसास हो गया कि चलो अब जो मेरे जो बाकी का दिन है वो अच्छे से गुजरेगा, अब मैं दुखी नहीं रहूँगा। तो इस सुंदर पोयम के द्वारा जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने हमें बताया है जो भी बैड ओमेंस होते हैं उनसे हमेशा बुरा नहीं होता, ये तो सिर्फ हमारी सोच होती है कि ये बैड ओमेंस है, बैड ओमेंस के द्वारा भी अच्छे कार्य जीवन में हो सकते हैं कभी भी, जिस प्रकार कवि के साथ यहाँ पर हुआ है। क्योंकि देखो जो कवि का जो माइंड जो मूड था वो चेंज वो किसकी वजह से हुआ है, क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से तो हुआ है स्टूडेंट्स, जिसे जो कि क्रो और हेमलॉक जो ट्री होते हैं वो बैड ओमेंस में आते हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से जो कवि की जो सोच थी जो दिन बेकार जा रहा था वो पूरा बेकार जाने से बच गया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको जो ये पोयम है डस्ट ऑफ स्नो अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।